हेलो नमस्कार साथियों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस पी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एयू एडमिशन 2021 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बीए एलएलबी का एडमिशन डेट आ गया दोस्तों, कट ऑफ भी आ गया दोस्तों, पूरा हम आपको बता देंगे। एकदम ऑफिशियल न्यूज़ है दोस्तों, क्या ऑफिशियल न्यूज़ है एयू की दोस्तों, कि इसका एडमिशन डेट भी आ गया है बीए एलएलबी का दोस्तों, और कट ऑफ भी आ चुका है दोस्तों, कितने कितने सब कुछ दोस्तों। तो ऑफिशियल न्यूज़ है दोस्तों, बीए एलएलबी वालों की गलती मत करना दोस्तों, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको एयू से संबंधित वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहती हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, समझाते हैं आपको पूरा चीज़ दोस्तों। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए एलएलबी काउंसलिंग शेड्यूल 2021-22 दोस्तों, रिपोर्टिंग टाइम आपकी आपकी क्या है दोस्तों, 9:30 बजे सुबह पहुंच जाइए टू नून 12:30 बजे तक दोस्तों शाम तक आप। फिर एट प्रवेश भवन कहां पर है दोस्तों, जो आपका काउंसलिंग कहां पर, एट प्रवेश भवन चाथम लाइन्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद दोस्तों, ये कैंपस के अंदर ही है आपका दोस्तों। काउंसलिंग एडमिशन 2 PM ऑनवर्ड दोस्तों। अब देखिए एक दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है बीए एलएलबी वालों की दोस्तों, तो 1 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट है दोस्तों। कैंडिडेट्स कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स दोस्तों सब कुछ दिया गया है। देखिए आल कैटेगरी अर्थात आल कैटेगरी सभी कैटेगरी के लिए दोस्तों क्या है कि 184+ एबव रहना चाहिए दोस्तों, क्या 184+ एबव रहना चाहिए दोस्तों। फिर इसके बाद एसटी की बात कर ले, फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं फर्स्ट डे की, तो ये शेड्यूल दोस्तों तो 128 एबव रहना चाहिए क्या, जो एसटी कास्ट के हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या क्या आल कैटेगरी में क्या आएगा, जनरल आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा, ओबीसी आएगा, एससी आएगा, और इसमें क्या है एसटी का अलग से है दोस्तों, 128+ एबव रहना चाहिए दोस्तों, तब आपका 1 दिसंबर को आपका काउंसलिंग हो जाएगी दोस्तों। और इससे कम है, देखिए 184 से यदि आप कम है, जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या एससी के जाएंगे, तो आपका एडमिशन 1 तारीख को नहीं होगा दोस्तों। फिर यदि एसटी के हैं दोस्तों, 128 के एबव हैं, तो आपका काउंसलिंग होगा दोस्तों, और 184 से भी आप एबव हैं दोस्तों, तभी आप जाइएगा 1 दिसंबर को, तो आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब सेकंड डे की बात कर ले बी एल एल बी वालों के लिए दोस्तों, तो अदर बैकवर्ड कार्ड अर्थात ओबीसी के लिए दोस्तों 172 एबव यदि आपका है दोस्तों ओबीसी बी एल एल बी एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों, 172+ से ऊपर है दोस्तों, तब आप सेकंड डे दोस्तों 2 दिसंबर को आप जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 178.6 है दोस्तों, कहता है 178.6 के यदि एबव हैं आप दोस्तों, तो आपका एडमिशन 2 दिसंबर को हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए क्या है शेड्यूल कास्ट दोस्तों, किसके लिए, एससी के लिए, यदि 156 एबव हैं आप दोस्तों, तो आपका फिक्स है कि मेन कैंपस में 2 दिसंबर को आपका काउंसलिंग हो जाएगी दोस्तों। फिर एसटी की बात कर ले, शेड्यूल ट्राइबर की बात कर ले दोस्तों, 126+ एबव दोस्तों, कितना 126+ एबव यदि आप हैं दोस्तों, तो आपका एसटी से हैं तो आपका काउंसलिंग हो जाएगी दोस्तों मेन कैंपस में। देखिए इस 1 दिसंबर को होगी काउंसलिंग, 2 दिसंबर को होगी काउंसलिंग बी ए एल एल बी वालों की दोस्तों। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड दोस्तों, कितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड दोस्तों आपकी डिमांड कितनी, देखिए आपकी फ़ीस कितनी है, 50,000 फीस है दोस्तों, बीए एलएलबी वालों की फ़ीस कितनी है, 50,000 फीस है दोस्तों। फिर देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप अपना एडमिट कार्ड लिए रहिएगा दोस्तों, आ स्कोर कार्ड जो आप निकाले हैं वह लिए रहिएगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अर्थात टीसी लिए रहिएगा दोस्तों, टेंथ की मार्कशीट लिए रहिएगा, और ट्वेल्थ की मार्कशीट जरूर लिए रहिएगा दोस्तों। अब अपनी टीसी लिए रहिएगा, देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिए रहिएगा दोस्तों, टीसी आप अपनी लिए रहिएगा, नंबर पर एफिडेविट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग यह भी लिए रहिएगा, आप सभी के 2 से 3 फोटो कापी आप लिए रहिएगा जितने भी बता रहे हैं। फिर अंडरटेकिंग फॉर जीएपी ईयर लिए रहिएगा दोस्तों, यह भी एक है आपका। फिर रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के दोस्तों, जो आपका कास्ट से होता है उसको लिए रहिएगा दोस्तों 7वें नंबर पर। फिर इकोनॉमिकली वीयर्स सर्टिफिकेट अर्थात ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप इसके पास रहना चाहिए दोस्तों। एनसीसी यदि यह सर्टिफिकेट भी है दोस्तों, तो आप उसको लिए रहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज अर्थात अपनी फोटो कापी लिए रहिए, जो आपका फोटो होता है वो लिए रहिए दोस्तों। फिर आधार कार्ड का ओरिजिनल फोटो और फोटो कापी भी ओरिजिनल भी लेकर जाइए सब कुछ दोस्तों। और दोस्तों 12 नंबर पर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस, आपको सभी जितनी कोविड की गाइडलाइंस है आपको सब कुछ फॉलो करना होगा दोस्तों, तभी आपका काउंसलिंग हो सकती है दोस्तों। देखिए नोट लिखा, एडमिशन शैल बी स्ट्रिक्टली ऑन बेसिक ऑफ मेरिट एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ सीट्स दोस्तों, आपकी जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, जितनी सीट्स हैं और जितने सब्जेक्ट्स हैं आप चूज़ करेंगे, यदि वो सीट्स हैं दोस्तों और खाली हैं तभी आपकी आपका एडमिशन होगा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों, डॉक्यूमेंट के भी बारे में आपको पूरा बता दिए दोस्तों, आपकी फ़ी की भी बारे में बता दिए दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एयू से संबंधित इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती हैं दोस्तों। और कमेंट में बताइए यदि आपकी कोई क्वेरी है दोस्तों, तो आप उसका जवाब जल्दी ही देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।